दोस्तों नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रीति कुमारी मैं दोस्तों मैं स्वागत करती हूँ। और दोस्तों मैं खास ये वीडियो बना रही हूँ जो हमारे भाभी को अंट संट गलत बोल रहे हैं उनके लिए बना रही हूँ। किसी के घर पे आप नहीं आके देखते हैं कि किसके घर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक मिनट, हम अगर घरे अपने बुलौले हैं तो हमारी जिम्मेदारी है ना। ये बतावा कि तू लोगों जिम्मेदारी अगर लेवे खोखा तब बोला तो हम प्रीति छोड़ देते हैं, प्रीति के हम भेज देते हैं, ठीक ना। अगर जिम्मेदारी उठावे खो तो बोल दा हम जिम्मेदारी से बुलौले हैं, जिम्मेदारी से भेजा। जब तक सूरज आई है ना तब तक प्रीति जाई है ना यहाँ से। और एक बात सुन ला, जो सब जन बोला था ना कि घर फुरानी है ही हाउ तो घर का मैटर तो हर लोग ना समझबा, हम समझब जौन जौन बात बोल दे हमें तो आप लोग अपन सुन लेना है, ठीक है। आप लोग को हर चीजें नहीं बता हाँ। सकते हैं, हर चीज हम सोशल मीडिया पर नहीं तो दिखा हम बता सकते। रहे कि हम बस हमारे इतना भाई ना दुख दिखा बयान रहे कर सकते हैं, हम कहीं हैं बस इतना बयान कर दें। बहुत लोग कह रहे हैं भगोड़ी है ये। जब मैं एक बार बोल दी कि मैं जब आई हूँ भाभी के घर में कैसी भगोड़ी हुई, तुम लोग को इतना भी नहीं समझ में आता है, इतना कुछ भी बोलते हो। और किसी के ऊपर वीडियो बनाने की क्या जरूरत है, किसी के ऊपर किसी को वीडियो नहीं बनाना चाहिए, सब अपना देखना चाहिए। हम अपना देख रहे हैं, वो अपना। से हम एक मिनट कौनर से तू लोगन के भगौड़ी लौके नहीं, पहले हमसे बता दा हाँ। कौनर से भगौड़ी लौके नहीं। जब तक शादी ना भैया तब तक ना कुछ भय रहा, ठीक, तब तक ना कुछ कहला सब जने। अब शादी हो तो भगौड़ी हो गई नहीं, बिना मतलब बिना वजह चाहे जो लोग कह दे बर्दाश्त ना, बर्दाश्त से बाहर होता। अब ऐसा कुछ मत मुंह से लोगन और कमेंट चाह, बहुत लोग कमेंट लोगन करत हवा ना, ना गिनिया से गिनिया बनवा था तो बहुत खराब हुई। इतना चलिए हम अब बता कमेंट देते के हैं, ऊपर ध्यान नहीं दे, बस बहुत बहुत लोग का ऐसा कमेंट आया मैं है कमेंट करा कि था भाभी सुधर घर का कमेंट फोड़ करा, रहे हम हैं घर भाभी फोड़ा घर। नहीं, घर फोड़ा तो लगा आपको था ऐसा इन नहीं में। कहना चाहिए, भाभी मेरा घर बना रही हैं, घर नहीं फोड़ रही हैं, इन्हीं की वजह से। हाँ हो सकता है हम सूरज मिल सकते हैं, आप लोग ऐसे नहीं। हम एक एक बार भी हम कहा था नहीं ना, जब सूरज आई है तब जई है प्रीति, ओकरे आगे तो हम जाए ना देवे। और जब सूरज कहा था मैंने भाभी सारा चीज करवावती आई, भाभी सारा चीज करवावती, भाभी जब ना रहनी, जब भाभी भाभी घरे प्रीति ना गई रहनी तब के करावत रहा, तू ही करावत रहा, तू ही बोलत रहा कि हमारे लायक ना है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं हो, तब कहाँ गई रहला। जब सदिया ना भइला तब कहाँ गई रहला, अब सदिया भइले के बाद ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं करता हुआ तकलीफ ना हुई ये बतावा। अगर तो धोखा से तू लोगन का लाला, फिर उसके बाद इधर उधर ढनकावा भड़कावा तो गुस्सा ना लगी दोस्तों हम है? भाभी शादी होने के बाद मैं भाभी से चोरी चोरी बातें करती थी, भाभी भी बातें करती थी। ये मुझे फोन भाभी मेरे पास फोन की कि मतलब आप ऐसे क्यों की, आप इतनी समझदार थी ऐसे नहीं करना चाहिए था। कह नहीं भाभी हो गया गलती, मुझे नहीं समझ में आया, हम आपको बाद में बताएंगे शादी की सच्चाई क्या है क्या नहीं, शादी का क्यों है क्या रीजन है, हम आपको बाद में बताएंगे। कहीं तब ठीक है आप कर लिए शादी, उसका बात अलग है। पर हम जैसे बोला नहीं मतलब आराम से ठीक से रहा, हम तो चाहते नहीं मतलब शादी हो जाए ठीक, हम सोचते हैं कि शादी हो जाए बढ़िया से, लेकिन शादी भइले के बाद इतना नाटक हम तो ना देख नहीं बाबू कि यह करे के रहो तो शादिया ना कैलो तो जिंदगी से चल गए हो, तब हमेशा खाती मतलब निकल गलो दूसरे शादी ब्याह कर ले होता, ऐसा ना करे के चाहता। लेकिन जितना नौटंकी करत हुआ ना बहुत, अब अतिशय हो गल, बहुत ज्यादा अतिशय हो गल। हम तो पहले जानत रहने की बाबू हमारे ऐसा ना, हकीकत हमके तब पता था कि तू ऐसा ना बाबू, तुहरे ऊपर हमारे वो खून अरे खौल नहीं, खौल चार लेकिन चार लोग हैं चढ़ाने वाले। चढ़ावत है या वो जवन है बहु ए मुह चिढ़ावे ना रितु, रितु को समझा दे, रितु का सारा चीज वो करा थी, इतना तो निश्चित वह करा थी। चंपा रितु ये सारा काम जब से आई है जिंदगी में तू बन के कांटा बन के वह सारा चीज करत थी, ठीक। आज हमके गलत ठहरावत है, आज हम अपने जिम्मेदारी से हम भाभी बुला ये ले हम करनी गलत भाभी वो है। करनी भाभी ऐसी करनी, घर मेरी भाभी ऐसी नहीं है, ठीक है, भाभी मेरी सही है, ठीक है, हाँ मेरे लिए लड़ रही है, सुना मेरे लिए लो कर सुना, एक रही मिनट, है। अगर ऐबो करी है ना सूरज ऐबो करी है तो हम ऐसे ना जाए दे, हम खुद का साथ है जाब, हम साथ में जाब, खुद का साथ है और जाब। साथ में मेरी रहेंगी भी, देखेंगी भी 2-3 दिन मैं कैसे रहती हूँ कैसे क्या देखो होता अगर है। रहन सहन की अगर गलती है वह कि अगर ना गलती है ठीक, ले तब आप लोग जाने को समझ में बात आई। ले जाने के बाद भी झगड़ा हो सकता है, पर अभी सूरज कह रहे हैं मैं फोन करूँ, फोन नहीं उठा रही है। जब मुझे मैं बोली, मैं बोल दी है मुझे कि तुम अपना देख लो, तुम मैं अपना देख लो, मैं अपने घर जाऊंगी तुम अपने घर जाओ, तो मैं भी बोलती हाँ मैं जाऊंगी, रोज रोज का झगड़ा टंटा से अच्छा है कि मैं अपना घर देख लेती हूँ। अभी हम लोग का क्या बिगड़ा ही है, अभी हम लोग का कुछ बिगड़ा नहीं है ना, अभी 2-4 महीना ना 3 महीना ना 6 महीना भी कुछ नहीं हुआ, अभी तो 15-20 दिन हुआ, हम लोग का कुछ नहीं बिगड़ा है। और क्या हुआ क्या नहीं, मंदिर की शादी कोई मानी नहीं जाती, मंदिर में शादी नहीं होता है। हम भाई अगर ऐसे देखा करिए बुआ हुआ हमार बहुत मतलब नाराज हेबा करिए, अगर ऐसा करिए तो हम भाई जाए ना दे, सही बात ना जाए देवा, ऐसा शादी ब्याह हमके ना चाहिए बा। और मेरे भाभी ब्याह को हम आपके बार बार मना कर नहीं बहनी मत उनके साथ ही रही मत रही, हमके उनका नेचर वह बहुत पता चला दे, बहुत गुस्सा ही हुई सन और हमें। आप लोग को बता दें, मेरा हाथ ए वाला जला था, ए वाला हाथ जला था जो कि दवा वाला थोड़ा है। सा दाल गिर गया, थोड़ा दोस्तों दाल गिर जूस मैं गिर गलती गया, मेरी मतलब हालांकि थी, गिर रहा गैस पे भाभी गया मतलब वो रख के बर्तन थोड़ा धोने लगी, जो इनकी भाभी का मतलब इनकी बहन का जो डिलीवरी हुआ है उनको दाल देना पड़ता है सुबह शाम, तो दाल देने के लिए वो रखा गया था, तो मैं सोची मैं उतार देती हूँ।
मैं बैठ के ऐसे सोच रही थी, कुछ बातें सोच रही थी, मतलब भाभी बर्तन धोने चली गई और मुझे बताई भी नहीं, तो दाल फफा के गिरा गैस पर, तो मैं सोची दाल पानी जल जाएगा। मैं ऐसे भदेली, मतलब कोई कपड़ा नहीं मिला, तो मैं ऐसे अपने ऐसे ही पकड़ी, बस भदेली छलक गया, बस यहाँ आके लग गया। भाभी इतनी बड़ी रानी जिम्मेदारी ले ले है, तो भाभी का देखती कैसे जरा दे है। ए रीति सुना, इतनी बड़ी तू रहा हो तू ना, तो तू अबे ना दे ले हो तू, पहले तो जीजा रहे तो कुछ जौन भी भाई मत जाए। हमारा जब झगड़ा होता था ना, हम लोग जब छत पे जाके झगड़ा करते थे, कहते हैं सब लोग का झगड़ा चालू हो गया, मजाक उड़ाते, सब लोग का झगड़ा चालू हो गया, तुम सब हमेशा झगड़ा करते हो। चाहे नहीं खाली बस मजाक उड़ावे, हम कह दे नहीं ना उन साथ, अगर सूरज अइबो करिए ना, तो उन्होंने कह दिया सब अलग भाई रही है, तब हम जाए देवे नहीं तो नहीं, हम चलत है साथ, जब आ जाइए अगर ना, तब हम लिया चल, हम ना रह दे वहाँ, आता रूम वूम बदल दी, आता कुछ भी कह दे। हमारे भाभी के बारे में कोई वीडियो ना बनाए, आप बोल सकती है ना, भाभी के बारे में कोई वीडियो ना बनाए, भाभी मेरी है, मेरा घर है, मैं अपना परिवार देख रही हूँ, मेरे बारे में कोई वीडियो ना बनाए। देखा लोग जब तक हमारे घरे हैं, ठीक, हम हमारे घरे हैं, वो फोन भी कुछ भी ना करते हैं, कुछ भी ना करते हैं, जब भी रोबत है, तकलीफ हो, दर्द होता है, कहीं से आपन आपन रहना, ठीक ना, आपन आपन रहना, अपने घर में बहुत दर्द होला, सबके पता है, तो जब तक ना आए तब तक जेबो ना करिए, जब मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं उनके, हमारे ऊपर भाभी का एक ही बात है, एक ही फैसला है कि जब वो सूरज जी आएंगे लेकर जाएंगे, तभी मैं अपने ननद को भेजूंगी, तो इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या भाभी घर मेरा फोड़ रही है, घर फोड़ते हैं, और चंपा आप भी सुन लो, ज्यादा पड़पड़ा मत, नहीं तो आएंगे मारेंगे, थोड़ा फूट जाएगा, ठीक है, हमारे हमारे पास रह रही है, और रितु तुम भी मेरे पास ही रहती थी तो मैं नहीं कुछ बोलती थी, चार जब सब छोटे छोटे हैं, बच्चे हैं, मतलब दीदी हैं, और रितु को मैं सोचती छोटी बहन की तरह मानती थी, और चंपा दीदी को दीदी की तरह मानती थी, तो दीदी है ही, घर फुरानी है, घर उजनी है, जिंदगी बर्बाद करे वाली है, और दोनों लड़की, और भोलू आ गया, तो भोलू के कह रहे, अरे भोलू आ गया ऐसे, अरे भोलू मेरे साथ आया है, उसको मैं और भेज रही हूँ, कहा थे सब भोलू जाए, कहा था घर, उनका भाभी ना जाए थे, भाभी काहे जाए दी है, बतावा काहे भाभी जाए दी, भाभी बीमार खाए खाती भेजी है, भाभी जाए दी है, लड़ाई करे खाती, थोड़ा ये बना हुआ है, बोले ना कि हमारे लायक नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, भाभी कहाँ जाए दी है, पहले हमसे बताओ, लोगों कमेंट जरूर लोगों का है, कहाँ भाभी जाए दी है पहले बताइए। आप लोग कह रहे हैं भाभी झगड़े रही है, भाभी भाभी जो भी बोलती है एकदम राइट बोलती है, आर या पार दो चीजें क्लियर करना पड़ता है, ठीक है, आदमी परिवार ऐसे नहीं चलता है, ऐसे लुप छुप में जो रहता है वो कभी समाधान नहीं होता। बात बोल देता हूँ तो हम डर के रही, ये पहले बताओ, हम डर के रही, हम डर के ना रहे वाला ही ना जाए देव, ठीक, इतना कमजोर भी मत लोगों समझे कि इनके प्रीति क्यों हो ना, प्रीति मम्मी पापा अगर ना पूछे थे हम लोग जिंदाबाद नहीं, और आने वाले कल में मेरे मम्मी पापा भी पूछ रहे हैं, मम्मी मेरी कभी कल भाभी के पास फोन करके बातें भी कर लेती है, फोन करे नहीं पूछे नहीं, मतलब प्रीति मार कैसे नहीं, बहुत रोवे नहीं, लेकिन प्रीति से नाराज ही बात ना कर चाहे नहीं, यही से हम बात ना कराई ला, और मैं अपने घर भी चली जाऊंगी, और आप लोग को मैं आगे भी बताऊंगी क्या होगा क्या नहीं, सब कुछ बताऊंगी, पहले सूरज हमसे मिल जाएगा, अभी सूरज आएंगे मुझे जब लेके जाएंगे जाऊंगी, नहीं तो मैं भाभी के साथ यहाँ से, भाभी के साथ मैं भाभी के ससुराल चले जाऊंगी, अपने मामा के घर चले जाऊंगी, यहाँ भी नहीं रहूंगी, यहाँ से भाभी भी दो तीन दिन में जाने वाली, तो मैं भी चले, जब तक मेरी दीदी नहीं ठीक हो जाएंगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी, तो लेकिन अगर सूरज बाबू आएंगे तब जाऊंगी एक दो दिन के लिए उनके पास, तो मेरे अगर मेरे सूरज जी आते हैं तभी मेरे साथ चलेंगे देखने के लिए कि क्या है कैसे मैटर होता है, तो सब बताएंगे, तो दोस्तों हम बताएंगे, अब आप लोग को कल बातें करेंगे, कुछ सूरज बात फोन वन कर दूगा, गोलू का फोन कैले रहना, भोलू का फोन कैले रहना, हम खुद ही हमसे बात कहा करा था भोलू, चलिए हम उसके इस मैटर में हम लोग कल बात किए, वीडियो की काफी लंबी हो रही है, हमारी पब्लिक सोचेगी क्यों इतना लंबी हो रही है, दोस्तों हम आप लोग को कल बताएंगे, और बातें कुछ बातें आज हुई है हम कल बताएंगे आपको क्या मैटर है, अभी देखो क्या होता है, सूरज जी मुझे लेने आते हैं कि नहीं।